तो हेलो एवरीवन, गणेश चतुर्थी आने वाली है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गणपति बप्पा की फेवरेट रेसिपीज। सो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं मावा मोदक। सो इसके लिए मैंने पैन में हल्का सा घी डाला है, उसके बाद घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया 1 कप दूध। और जब मेरे दूध में 1 बॉइल आ जाएगा मैंने उसमें लिया है 3/4 कप मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, आप लोग कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और इस मिल्क पाउडर को हमें एक साथ नहीं डालना है वरना बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे। जैसे मैं डाल रही हूँ ना, धीरे धीरे थोड़ा करके फिर उसको मिक्स कर रही हूँ और फिर थोड़ा डाल रही हूँ, तो हमें ऐसे ही डालना है ताकि हमारे लम्स ना बने और हमारी रेसिपी भी अच्छी बने। सो अच्छे से मिक्स होने के बाद देखिए, आप 5 से 10 मिनट का वेट कीजिए, आपका मावा ऐसे थिक होता जाएगा और थोड़ी देर बाद वो एक शेप ले लेगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। और इस टाइम पे आपका मावा जो है वो बनके रेडी है। अब हमें इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेना है। सो ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल और मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है इलायची पाउडर। आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ इलायची पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है शुगर, और शुगर मैंने जो लिया है वो हम लोग थोड़ा कम खाते हैं उस हिसाब से लिया है। आप लोग अगर ज़्यादा खाते हो सो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम आते हैं अपने सुंदर सुंदर मोदक बनाने पे। सो यहाँ पे मैंने लिया है एक मोल्ड और इसमें हल्का सा सेटल करके हाथ में मावा, और फिर इस मोल्ड के अंदर डाल देंगे। और ये देखिए, हमारा मोदक बनकर तैयार है। इसी तरह से हम लोग अपने बचे हुए सारे मोदक बना लेंगे एक एक करके, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं खाने में और बप्पा के भी फेवरेट हैं। सो और हमें क्या चाहिए, सो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए। और बहुत ही इजी रेसिपी है, 5 से 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाती है। सो अब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे, और इसके लिए मैंने सभी मोदक को एक प्लेट में डाल लिया है और इसके ऊपर से अच्छे से पिस्ता गार्निश कर दिया है। सो आज की हमारी दूसरी रेसिपी है बेसन के लड्डू। सो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा सा डाला है घी, और उसमें हमने डाला है लगभग 1 कटोरी बेसन, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने देना है। और घी आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि शुरू में थोड़ा थोड़ा डालिए और फिर जैसे जैसे भुनता रहे सो उसमें और ऐड करते रहिएगा। एक साथ ज़्यादा घी डालने से क्या होता है ना कि बेसन बाद में घी छोड़ता है, और फिर लास्ट टाइम पर जब आपको लड्डू बांधने होते हैं तो फिर आपके लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएंगे। मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल दिया था, सो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और मैंने क्या किया, कैसे उसको मैनेज किया वो मैं आपको बताऊँगी जब मैं लड्डू बनाने लगूँगी तब। तो यहाँ पे मैं कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ कर रही हूँ। उसमें क्या होता है कि पहले मैं पूरे बेसन को फैला ले रही हूँ और फिर उसके बाद उसको वापस से इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मेरा बेसन जो है वो अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए। और साथ में मेरे को गोल्डन ब्राउन होने तक अपने बेसन को भून लेना है, और गैस जो है वो बिल्कुल मैंने सिम करी हुई है। तो आप 10 से 15 मिनट का टाइम लीजिए और आराम से अपने बेसन को भूनिए। अगर आप गैस तेज करेंगे तो बेसन जल जाएगा और उससे बेसन में कड़वाहट आ जाएगी, और अगर मीडियम रखते हैं तो बेसन अच्छे से भून नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मेरा बेसन एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और उसको मैं ठंडा करने के लिए एक बाउल में ऐसे फैला ले रही हूँ। और जब मेरा बेसन ठंडा हो जाएगा सो यहाँ पे मैंने ली है बूरा, पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं आप अगर बूरा अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ पे मैंने जितना हमें मीठा खाना है स्वाद अनुसार मैंने बूरा डाल ली है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सो अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे बेसन में के लड्डू बन नहीं पा रहे हैं, सो मैंने उसको क्या किया, 5 से 10 मिनट रेफ्रिजरेट कर दिया, यानी कि नॉर्मल फ्रिज में रख दिया। फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। 5 से 10 मिनट या 10 से भी कम टाइम लेगा आपका बेसन सेट होने में, तो आपका जो मिक्सचर है वो सेट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट बाद आप उसको निकाल लेंगे और अच्छे से मैश करने के बाद इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और ये स्वाद में बहुत 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 ही टेस्टी बनते हैं, एकदम हलवाई जैसे बनाते हैं वैसा इनका टेस्ट होता है। सो ये वाली रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी है और बहुत कम टाइम लेती है। बस आपको क्या करना है कि गैस को सिम रख के भूनना है, और साथ में शुरुआत में थोड़ा कम घी यूज़ करना है।
अब हम आते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, वो है मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल और उसमें लगा दिया है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में मैंने 3 स्पून बेसन डाला है, 3 टीस्पून बेसन है, उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। और साथ में मैंने उसमें ओवर नाइट सोक किया हुआ, पूरी रात भिगोया हुआ केसर था, उसका थोड़ा सा पानी स्ट्रेनर में डाला है ताकि उसमें जो केसर की लीव्स होती है वो नहीं आए। सो यहाँ पे मैं पानी डाल के अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट की कंसिस्टेंसी हमें रनिंग रखनी है, ना तो उसे गाढ़ा करना है ना उसे पतला करना है। यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दे रही हूँ। घोल को साइड में रख देंगे और अब तैयारी करेंगे चाशनी बनाने की। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा बाउल चीनी यूज़ करी है और 1 ग्लास से थोड़ा सा कम पानी यूज किया है। 1 तार की चाशनी बनानी है। कलर के लिए मैंने डाला है केसर और साथ में 2 इलायची मैंने फोड़ के डाल दी है। अब मैं तैयारी करती हूँ बूंदी बनाने की। सो बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे और उसके अंदर डाला है जितना नीडेड घी होता है उतना, और उसके बाद घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैंने ले लिया है स्ट्रेनर, जो ऐसे टाइप के जो छलनी होती है जिसमें से बूंदी गोल निकले, इसके ऊपर मैं अपना जो बेसन का गोल है वो डाल दूँगी। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि जो घी की और स्ट्रेनर के बीच की दूरी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घी से हमें बहुत ही पास स्ट्रेनर रख के डालना है ताकि हमारी जो बूंदी है वो थोड़ी गोल बने। और बूंदी को फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं अपनी जो सारी बूंदियाँ हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। सारी बूंदी तैयार होने के बाद हमें गैस पर एक फ्राई पैन रखना है और उस फ्राई पैन में हमें जो हमारी तैयार की हुई बूंदी है उनको ऐड कर देना है। साथ में जो हमने चाशनी बनाकर तैयार कर रखी है उसको ऐड कर देना है और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारी बूंदी में हल्की सी चाशनी ना रह जाए। हल्की सी चाशनी बचने के बाद हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, हमारी बूंदी ठंडी हो जाएंगी। उसको हम हल्का सा मैश कर लेंगे और फिर मैश करने के बाद हमें देखना है, अगर हमारी बूंदी ठंडी हो गई है तो हमें उसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। और आपके मोतीचूर के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।